चाणक्य समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है झारखंड विधानसभा नियम 2006 की वैधता। चलिए अब देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। 13 जनवरी को झारखंड उच्च न्यायालय 2006 के नियम 6 के उपनियम 1 के तहत झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष को दी गई शक्ति की वैधता और स्वामित्व पर एक मामले की सुनवाई करेगा। सरल शब्दों में क्या विधायिका द्वारा तय किए गए नियमों में मूल प्रावधानों को खत्म किया जा सकता है? बाबूलाल मरांडी को अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय के बाद विपक्ष का नेता नहीं बनाए जाने के बाद यह मुद्दा उठा है। हालांकि भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी के विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। दल बदल मामले में 10वीं अनुसूची का प्रयोग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था। मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से 10वीं अनुसूची का इस्तेमाल करते हुए दल बदल के लिए उन्हें जारी नोटिस की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। चलिए अब जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। विधानसभा चुनाव के बाद JVM के नेता दो धड़ों में बट गए थे। 3 विधायक में से एक बाबूलाल मरांडी BJP में शामिल हो गए थे, वहीं प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में चले गए थे। इसके बाद पार्टी के विलय को लेकर विवाद शुरू हो गया था। इसी बीच विधानसभा स्पीकर ने दल बदल के तहत बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था और इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी थी। इसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कहा गया कि संविधान में निहित प्रावधानों के तहत स्पीकर स्वतः संज्ञान लेते हुए दल बदल मामले में नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। इस पूरे विषय पर विधानसभा अध्यक्ष का क्या पक्ष रहा था? झारखंड अध्यक्ष ने कहा है कि मरांडी द्वारा भेजा गया प्रारंभिक पत्र संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है और उन्हें अध्यक्ष के समक्ष स्पष्टीकरण दर्ज करने के लिए कहा गया था। हालांकि इसमें कोई विशिष्ट खंड नहीं बताया गया था कि नोटिस किस आधार पर जारी किया गया था। मरांडी के अधिवक्ता ने कहा कि नोटिस अस्पष्ट था और किसी भी पर्याप्त प्रतिरूपण के बिना और योग्यता पर जवाब देना मुश्किल हो गया था। हालांकि मरांडी द्वारा सुमोटो पावर पर सवाल उठाते हुए एक जवाब भेजा गया था, जिसके बाद अध्यक्ष द्वारा एक और नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची के तहत एक मामला स्थापित किया गया है और मरांडी को अध्यक्ष के न्यायाधिकरण के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इस मामले को अदालत में चुनौती क्यों दी गई? याचिका झारखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए 2 नोटिस को रद्द करने और अगले आदेश तक अंतरिम राहत देने के लिए दायर की गई थी। विधानसभा में दल बदल को लेकर बने वर्ष 2006 के नियमानुसार स्पीकर 10वीं अनुसूची के तहत स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन संविधान के 10वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान नहीं है। 10वीं अनुसूची के पैरा 6 और पैरा 8 में कहा गया है कि यदि दल बदल से संबंधित अर्जी दी जाती है तो स्पीकर दल बदल मामले में संज्ञान लेने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में झारखंड विधानसभा का नियम असंवैधानिक है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि विधानसभा नियम के तहत दल बदल मामले में स्पीकर को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने का अधिकार है। संविधान की 10वीं अनुसूची का पैरा 6 क्या है और इसे इस मामले में क्यों लाया जा रहा है? संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 6 में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के फैसले दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि यदि किसी सदन का सदस्य इस अनुसूची के तहत अयोग्यता के अधीन है या नहीं, तो इस सदन के अध्यक्ष के निर्णय के लिए प्रश्न संदर्भित होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी विधायक को अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज करानी होगी ताकि दल बदल के आधार पर सदन के उस सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सके। लेकिन अध्यक्ष अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर
इस मुद्दे को नहीं उठा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने 2006 के नियम 6 के उपनियम 1 के प्रावधान के साथ ऐसी शक्ति का प्रयोग किया है, जो अध्यक्ष को संविधान की 10वीं अनुसूची के मद्देनजर दल बदल के प्रश्न का निर्धारण करने के लिए सुसंगत निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। हाई कोर्ट के निर्णय पर राज्य विधानसभा की क्या प्रतिक्रिया रही? बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनजर यह याचिका दायर की गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को इस मामले में राहत दी थी। अदालत ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विधानसभा के न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई को अगली तिथि तक स्थगित रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पीकर और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। 13 जनवरी तक इसको अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है। बाबूलाल मरांडी ने दल बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट में केवियट फाइल किया है। इसके तहत अब दल बदल मामले की कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने पर बाबूलाल मरांडी का पक्ष भी सुना जाएगा। चलिए अब देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, संविधान के 11वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। कथन दो, यदि एक व्यक्ति को इस कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उपरोक्त में से असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका जवाब है विकल्प सी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।